Hello everybody. Now today let's finish the discussion part of this chapter, Newton's law and friction. Newton's law and friction में मैंने पूरी theory complete कराने के बाद HCV के सारे doubts आपके discuss करवा दिए थे, और यह जो मैंने study package दे रखा है, इस study package के 4-5 दिन पहले मैंने basic exercise के problems कुछ कराए थे. I think 20 problem तो मैं discuss करा चुका हूँ. अब आज मैं इसके प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस और थोड़े एडवांस लेवल वाले प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करवाता हूं. मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं और इन्हीं डाउट्स को मैं डिस्कस कराऊंगा. न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन स्टडी पैकेज डिस्कस करवा रहा हूं. इसका पीएफपी में से जो डाउट्स मुझको लिखवाए गए हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, ट्वेल्थ और सेवेंटीन्थ. यह चार प्रॉब्लम मैं डिस्कस कराऊंगा सबसे पहले, और इसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम वैसे यह एडवांस एक्सरसाइज है. सेकेंड प्रॉब्लम पूछा गया है. सेकेंड के अलावा 8th, 14th, 16th, 19th. आई थिंक यह सारे डाउट्स मुझसे पूछे गए, इन सबको सॉल्व करवा के आज मैं पूरी तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन को फिनिश डिक्लेयर कर दूंगा. स्टार्ट रीडिंग फिफ्थ प्रॉब्लम. फिफ्थ प्रॉब्लम अब हम पढ़ना चालू करते हैं. कहाँ है? अरे लेट्स रीड दिस फिफ्थ प्रॉब्लम. मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देता हूं. अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ. व्हाट इज टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड वेयर इट्स अप्लाइड. अब ये सिंपल प्रॉब्लम इट सीम्स. ये एक बहुत आसान सा सवाल है, इतना कठिन सवाल नहीं है. एटलीस्ट इस स्टेज पर इतना पढ़ने के बाद इस सवाल को पूछा जाना नहीं था. यह एक यूनिफॉर्म रोप है, इट्स लेंथ इज एल एंड इट्स पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ. व्हाट इज टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम वेयर इट्स पुल्ड. इस पॉइंट पी जो कि एल की डिस्टेंस पर है, इस पर टेंशन क्या होगा? इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम. देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस रोप का ओवरऑल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं. पूरे सिस्टम को सिंगल सिस्टम मान ले, तो यदि रोप का मास m है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. अब हम क्या करते हैं, इस रोप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. रोप के इस पार्ट को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देते हैं, और रिमेनिंग पार्ट को इस मास में कन्वर्ट कर देते हैं, और बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग से, दिस इज अ मासलेस स्ट्रिंग, और इन दोनों ब्लॉक्स का मास मैं लिखता हूं. टोटल मास ऑफ रोप इज m, द टोटल लेंथ इज l, m बाय l इज मास पर यूनिट लेंथ, सो द मास ऑफ दिस लेंथ l इज m बाय l इनटू l, व्हाइल द मास ऑफ दिस पार्ट इज m बाय l इनटू कैपिटल l माइनस स्मॉल. हम इस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को इमेजिन करते हैं. इस जगह पर हम इसे ब्रेक करके इस मास को हम इधर लिख रहे हैं m बाय l,
into l minus l और इस mass को हम इधर लिख रहे हैं m by l into small l और इन दोनों masses को massless string से जोड़ दे रहे हैं और इस massless string में हमको tension T determine करना है। यह tension T ही इस point P पर tension होएगा और इसे determine करने के लिए मैं सिर्फ इसका free body diagram बना लेता हूँ, सिर्फ इसका free body diagram बनाया जाए, since the whole system is accelerated by a, तो यह मास भी a से एक्सीलरेटेड है, टेंशन t है, इट्स मास इज m by l into l minus l। हम कहेंगे दिस टेंशन t इज द एक्सीलरेटिंग फोर्स, टेंशन t इज m by l into l minus l होल into मास into एक्सीलरेशन a। सो दिस टेंशन t इज m by l into l minus l, acceleration की जगह f by m, m m throughout cancelled, so this tension T comes out to be f into 1 minus l by l, this is tension T at point P. It was a quite simple problem, इतना difficult problem नहीं था, यह Newton's law पर based problem था और इस situation में यह देखिए कि किस तरह से पूरी रस्सी के इस point पर हमने tension निकालने के लिए इसे दो mass में break कर दिया, एक तो यह mass और एक यह mass और इसके बीच में हमने एक massless string imagine कर ली, इस massless string में tension determine कर दिया, वही इस point पर tension होएगा और इसे determine करने के लिए पहले हमने acceleration लिखा और फिर इस ब्लॉक को एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर लिया और इससे हमने टेंशन डिटरमाइन कर दिया। बड़े ध्यान से देखें, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ प्रॉब्लम, पहले फिफ्थ का सॉल्यूशन नोट डाउन कर लें और फिर सिक्स्थ प्रॉब्लम पढ़ना चालू कर दीजिए, प्लीज टेक इट डाउन। Now, let's start solving sixth problem. अब हम sixth problem solve करना चालू करते हैं। पहले इस figure के साथ, इस problem के साथ associated figure बना लेता हूँ मैं। इस तरह का एक figure दे रखा है। सबसे ऊपर कोई block A रखा हुआ है। यह एक wall से connected है। इसके नीचे कोई ब्लॉक बी दिख रहा है मुझे और यह इस तरह से एक पुली से बंधा हुआ है और इसके नीचे यह ब्लॉक सी दिख रहा है, इस तरह से सिचुएशन दिख रही है मुझे और इधर रिजिड सपोर्ट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस दिख रहा है, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है, दिस ए, दिस बी, दिस सी एंड सम फोर्स पी इज बीइंग अप्लाइड इन द फिगर, ब्लॉक ए बी सी वे 3 kg, मास ऑफ ए इज 3 kg, मास ऑफ बी इज 4 kg, mass of C is 8 kg. The coefficient of sliding friction between any two surface is mu s is 0.25. A is held at rest by massless rigid rod. This is a rigid rod and A is at rest, मतलब A बिल्कुल भी move नहीं कर सकता, fixed to wall A, while B and C are connected by a light flexible cord passing through a frictionless pulley, this cord is light and flexible, pulley is massless and frictionless, find force P necessary to drag C.
along the horizontal surface to the left at a constant speed. Assume that arrangement shown in diagram B and C and A are maintained all through. ठीक. तो it's a simple problem. ये भी अब इतना difficult लगना नहीं चाहिए. इसमें once again हम तीन free body diagram बनाएंगे सिर्फ. सबसे पहले मैं A के लिए सोचता हूँ. जब हम इसे खींचेंगे तो impending motion इसका इस तरफ है. C का, B का इस तरफ है. C का impending motion इस तरफ, B का इस तरफ. और A rest पर रहेगा. तो सबसे पहले यदि हम A के बारे में सोचें, मैं सिर्फ free body diagram ही बना देता हूँ, वही sufficient होएगा. This is A. अब A के लिए मैं कहूँगा MA into G or normal reaction NA. यह force तो होएगा. Beside it, हम कहेंगे जब यह block इस तरफ जा रहा है, तो ये A को इसी direction में ले जाने की कोशिश करेगा, तो A पर एक frictional force इस डायरेक्शन में लगेगा और यह जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू एस इनटू एनए. अब ए रेस्ट पर कैसे है? रेस्ट पर ए इस तरह से है कि यह जो रॉड है, यह रॉड इस पर इतना ही एक फोर्स लगा देगी, रॉड के अंदर इतना कंप्रेशन आएगा. यह जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर ऐसा एक कंप्रेसिव फोर्स दोनों तरफ से होगा और रॉड में जो कंप्रेशन होएगा टी दैट इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एनए. एनए इज इक्वल टू एमए इनटू जी. यह ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हुआ. एनए इक्वल टू एमए इनटू जी इक्वेशन. और यह इधर म्यू एस इंटू एन ए और म्यू एस इंटू एम ए इंटू जी एंड दिस वुड बी इक्वल टू द टेंशन इन द रॉड. अब जनाब बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए. बी के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, दिस इज बी. बी के लिए फोर्सेस में एक तो फ्रिक्शनल फोर्स जब बी ए को इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ए भी बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में म्यू एस इनटू एनए लगाएगा. टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय बी ऑन ए. Equal and opposite frictional force would be exerted by A on B. Up. This is the reaction force. NA is the reaction force offered by B on A. Iska matlab itna action A ke zara lag raha tha NA downward direction mein. Beside it, gravitational force to hai. MB into G. और इधर एक एन बी लगेगा. अब जरा सोचिए, जब भी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, तो सी भी बी के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा ऑन दिस सरफेस. इस सरफेस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, दैट इज म्यू एस इनटू एन बी. और इस स्ट्रिंग का टेंशन टी है, यह टेंशन टी भी लगेगा. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बी. अब हम इक्वेशंस लिख देते हैं इसके लिए. मैं कहूंगा एन बी इज इक्वल टू एन ए
plus MB into G, or NB, NA ki jagah MA into G, or NB is equal to MA into G plus MB into G. यह वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन हो गई. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी मस्ट बी इक्वल टू म्यू एस इनटू एनए प्लस म्यू एस इनटू एनबी और टी मस्ट बी इक्वल टू म्यू एस तो कॉमन एनए प्लस एनबी एनए प्लस एनए प्लस एनबी सो म्यू एस इंटू एन ए की जगह टू टाइम्स एम ए प्लस एम बी इंटू जी. दिस इज द इक्वेशन रिटन फॉर द सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बी. बी के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है उसके लिए हम यह सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं. एंड दिस आर द इक्वेशंस रिटन फॉर the first free body diagram. अब मैं तीसरा C के लिए free body diagram बनाऊंगा. C के लिए free body diagram मैं इधर बना लेता हूं. This is the free body diagram drawn for C. अब जरा सोचिए कौन कौन सी forces होंगी. एक तो NB. This is the force exerted by C on B. तो equal and opposite force B लगा रहा होगा NB. This is the force exerted by B on C. This is the force applied. This is the frictional force applied by C on B to every action equal and opposite reaction. इतना ही force B अपोजिट डायरेक्शन में C पर लगाएगा म्यू एस इंटू एन बी. और टेंशन T लग रहा होगा फोर्स P इस डायरेक्शन में. अब इसके अलावा हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स MC into G और इधर नॉर्मल रिएक्शन NC. बिसाइडेड जब यह इस तरफ मूव करेगा तो इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगना चाहिए म्यू एस इंटू एन सी. यह सारी फोर्सेस होंगी. आई थिंक मैंने सारी फोर्सेस लिख दिए. कोई फोर्स बची नहीं दिख रही है. अब मैं इक्वेशन बनाता हूं. पहले वर्टिकल डायरेक्शन में NC is equal to NB plus MC into G or NC is equal to NB की जगह यह लिख रहा हूं तो यह हो जाएगा MA into G plus MB into G plus MC into G. यह नॉर्मल रिएक्शन एट सी हो गया. अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देते हैं. जस्ट मूव करवाना है विद जीरो एक्सीलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी. इसके लिए पी मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस. पी मस्ट बी इक्वल टू टी प्लस म्यू एस इंटू एन बी प्लस म्यू एस इंटू एन सी. और टी की जगह पर मैं यह चीज लिख सकता हूं पी इज इक्वल टू म्यू एस इंटू टू टाइम्स एम ए प्लस एम बी इंटू जी और इधर मैं लिखूंगा म्यू एस इंटू एन बी की जगह पर मैं एम ए
GE plus MBG, MA plus MB into G plus mu s into NC की जगह पर मैं लिखूंगा this. T mu s into MA plus MB plus MC into G. नीचे लिख देता हूं प्लस म्यू एस इनटू एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इनटू जी. और फाइनली अब हम आंसर लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू म्यू थ्रू आउट कॉमन. और अब एम ए के टर्म्स देख लीजिए, 2MA, 3MA, 4MA, 4 टाइम्स MA प्लस MB के टर्म्स, MB प्लस MB प्लस MB, 3 टाइम्स MB प्लस MC के टर्म्स, सिंगल टर्म्स है MC into G. This is the P. अब हम सॉल्व कर सकते हैं म्यू की जगह 0.25, 4 एम ए 12 प्लस 12 24 प्लस 8 32 इंटू 10 दिस मच न्यूटन. सॉल्व इट इन ऑर्डर टू गेट द आंसर. एक बार बड़े ध्यान से देखिए किस तरह से एक काफी बॉडी डायग्राम बनाया, फिर हमने बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस पर सारी एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिकेट करना देखिए, इक्वेशंस बनाने का तरीका देखिए, फिर सी का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, सारी फोर्सेस और फिर किस तरह से इक्वेशंस बनाइए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर फाइनली सॉल्व करके आंसर. प्लीज चेक इट. सिक्स्थ का सॉल्यूशन नोट डाउन करें और फिर ट्वेल्थ पढ़ना चालू कर दीजिए. Now let us start solving 12th problem. A particle of mass m rests on horizontal floor which has coefficient of static friction mu. It is desired to make the body move by applying minimum possible force F. Find the magnitude of F in the direction in which it has to be applied. Now, this is a simple problem. In fact, इस तरह का problem इससे ज़्यादा complicated problem हम पहले ही कर चुके. हमने इसी तरह का एक problem already incline पर कर दिया है, तो उससे तो easy problem है. इस block का कुछ भी mass हो सकता है, let us say the mass is m. अब इस block को move करवाना है, और इस block को move करवाने के लिए minimum force apply करना है. वह minimum force कितना होना चाहिए और उसकी direction क्या होनी चाहिए. हम कहते हैं मिनिमम फोर्स, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह फोर्स मिनिमम नहीं होगी, वह मिनिमम से कुछ ज्यादा होगी. मिनिमम फोर्स आप जो अप्लाई करेंगे दैट शुड बी एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, और उसे किसी एंगल थीटा पर होना चाहिए. यदि यह फोर्स एंगल थीटा पर होगी, इस थीटा की वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है और यह मिनिमम फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन करना है जिससे कि यह ब्लॉक मूव करे. अब देखिए सबसे पहले इस ब्लॉक पर फोर्सेस कौन कौन सी होंगी. एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन एन.
और जब इस ब्लॉक को हम इस फोर्स के द्वारा इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। यह फोर्सेस इस ब्लॉक पर लगेंगे और यह ब्लॉक जस्ट मूव करेगा, जस्ट मूव करवाने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगी। अब हम कहते हैं इस फोर्स एफ को हम रिजॉल्व कर लेते हैं दो डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल फोर्स हुई एफ कॉस थीटा, वर्टिकल फोर्स हुई एफ साइन थीटा। नाउ अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यह वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कहेंगे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन और एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन की जगह पर एम जी माइनस एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। एफ हम कॉमन निकाल लें और इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब इस फोर्स की वैल्यू बिल्कुल साफ है, थीटा की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी। अलग अलग थीटा के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, इस तरह से फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। अब हम कहते हैं फॉर मिनिमम एफ, अब हम कंसेप्ट लिखते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी इस डिनोमिनेटर पर, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हम कहते हैं डिनोमिनेटर जो है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस मस्ट बी मैक्सिमम। यदि यह डिनोमिनेटर मैक्सिमम हुआ तो फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए, ऑल्दो 11th स्टैंडर्ड में इस बात को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जैसे ही हम 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम बनाने के लिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जीरो होना होगा। डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी जीरो। जब यह मैक्सिमम होएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम होगा, तब डी बाय डी थीटा जीरो होना चाहिए। यदि डी बाय डी थीटा जीरो हुआ तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इन दैट केस एफ की वैल्यू मिनिमम होगी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा प्लस म्यू, साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो और साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। जब टेन थीटा की वैल्यू म्यू होगी तब और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू, तब यह फोर्स मिनिमम होगा। अब हम कहते हैं जब टेन थीटा की वैल्यू म्यू है तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी म्यू अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर टू द पावर वन बाय टू और साइन थीटा की वैल्यू यह होगी, दिस इज साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होगी वन अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर टू द पावर वन बाय टू।
Now we substitute the value of the sin theta and cos theta here in this expression in order to get the minimum force. The minimum force must be mu mg upon cos theta ki jagah main likhta hun 1 upon under root of 1 plus mu square mu into sin theta ki jagah main likhta hun mu upon under root of 1 plus mu square. Aur ab main isse simplify kar dunga, mu mg to aisa kaise hi a 1 plus mu square whole upon under root of 1 plus mu square. So mu mg under root of 1 plus mu square cancel ho jayega aur denominator mein bacha reh jayega under root of 1 plus mu square. So this is the minimum force needed to move that block. This is the minimum magnitude of force needed and this force must be applied at this angle. Pure problem ko solve karne ka tarika dekhiye. Block ka free body diagram, uske liye equations, force ki value in order to move that block. Is force ko minimum karne ke liye denominator ki value maximum karna hogi aur denominator ki value maximum karne ke liye uska d by d theta zero karna hoga aur d by d theta zero karke humne theta ki value determine kari. Note it down please. Iske baad hum 17th problem solve karenge.